हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीए क्लब चैंपियनशिप T20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर पटौड़ी क्रिकेट क्लब वर्सेस स्वांटोस क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ECS T10 के वीडियोज़ मिलेंगे, इनके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलने वाले शारजा रमजान T20 के वीडियोज़ और IPL भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करोगे @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9:30 पर ST जेवियर कॉलेज ग्राउंड थुम्बा इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, इक्वली सपोर्टेड है, लेकिन अभी की जो टूर्नामेंट चल रही है ना, वहाँ पर रन अच्छे बने थे। इवन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर 200 के आंकड़े की भी पार हुए थे, 170 प्लस भी बना था। सो यहाँ पर रिसेंटली स्कोर अच्छे बने। बाकी यहाँ पर चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम यहाँ पर टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद करेगी। तो सबसे पहले से बात करें टीम पटौड़ी क्रिकेट क्लब की, तो देखो बैटिंग ऑर्डर जो मैंने मेंशन किया है, हो सकता है यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर है जो हमेशा चेंजेस वगैरह हो रहते हैं। ओपनिंग में वत्सल गोविंद और मैंने अथुलजीत एम अनु को मैंने ओपनिंग में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो लीजो जोस भी कई बार ओपनिंग करवा लेते हैं, तो वही कुछ है, बाकी तो अदर ऑप्शन कुछ खास है नहीं, लेकिन आएंगे तो शायद यहाँ पर लीजो जोस ओपनिंग में आ सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो वत्सल गोविंद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है, हर एक मैच के हिसाब से आपको बैटिंग से तगड़ा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। ये ना लिस्ट ए की मैचेस भी खेले हुए, केरला की तरफ से खेले हुए, स्टेट लेवल की मैचेस खेले हुए, लिस्ट ए मैचेस खेले हुए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, काफ़ी अनुभवी है। तो एज अ प्लेयर के साथ इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। अथुलजीत एम अनु की बात करते हैं, जो कि ज़्यादातर ओपनिंग में ही खेलते हैं, पिछली टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर 34-19-0 जैसे स्कोर किए थे, बाकी ओवरऑल 63 मैच के अंदर करीबन 28 के एवरेज से 1486 रन है, 45 विकेट है। लास्ट सीजन में 3 मैच खेले थे, जहाँ पर तीनों ही मैच कर इन्होंने एक भी ओवर्स की गेंदबाजी नहीं करवाई थी। तो ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो तो अभी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बैटिंग से आपको ठीक ठाक एडवांटेज दे सकते हैं, डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। नील सनी इंपॉर्टेंस रहेंगे, रिसेंटली अच्छे फॉर्म में, और पिछली टूर्नामेंट वो जो खेले वहाँ पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 80-64 जैसे स्कोर किए थे, ज़्यादातर तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं, ट्राई कर सकते हो। अरुण पोलोस भाई, इस बंदे को ना मैंने पिछले टूर्नामेंट के मैंने रेगुलर इनके ऊपर रिस्क लिया था, 3 मैच के अंदर, पहले मैच के अंदर नहीं चले फिर भी मैंने लिया, और फिर भी मैंने लिया, तो लास्ट मैच के अंदर 54 रन किए थे। हालांकि ये भी ओपनिंग करवा सकते हैं, ये भी ज़्यादातर ऐसे ओपनिंग में ही आते और ओपनिंग करवा सकते हैं, पिछली टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग की हुई थी, तो ये दोनों प्लेयर भी यहाँ पर ओपनिंग में आ सकते हैं। यहाँ से देखो मैं पोलोस के ऊपर रिस्क ले सकता हूँ, लीजो जोस थोड़ी से ओके ओके रहेंगे, ये बंदा आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा, और पोलोस की बात करो तो ये आपको दिखेंगे बैटिंग सेक्शन से। राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, पिछली टूर्नामेंट के अंदर 3 मैच खेले थे वहाँ पर इन्होंने ओवर्स नहीं करवाई थी, बैटिंग से अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं, आई थिंक एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो बैटिंग से आप पर 2 प्लेयर इंपॉर्टेंस रहेंगे आपके लिए, नील सनी और पोलोस, ये तीनों ही प्लेयर को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। लीजो जोस को रिस्की खेलो तो ट्राई करेगा। राहुल शर्मा की बात करें, राहुल शर्मा भी थोड़े से इनकन्सिस्टेंट ही है, लेकिन लास्ट सीजन में एक बार 33 रन जरूर किए थे, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करते हैं ऐसे आसिक मोहम्मद या से रेगुलर 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे, प्लस बैटिंग आई तो ऐसे बैटिंग से भी अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऐसे राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी है, 20 मैच के अंदर करीबन 28 के एवरेज से 400 से ज़्यादा रन किए हुए, 22 विकेट निकाले उन्होंने 47 के करीबन ओवर्स करते हुए, तो हर एक मैच के अंदर ऐसे 2-3 ओवर्स की गेंदबाजी करेंगे लेके जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो इस प्लेयर के ऊपर। अमल रमेश यहाँ पर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी रेगुलर करेंगे, डिफरेंशियल में ट्राई करोगे। बिजू नारायणन भी यहाँ पर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, रेगुलर ऐसे 4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, हालांकि पिछली सीजन इनकी ठीक ठाक रही थी, शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी 3 विकेट से, फिर इनकी
दो मैच के अंदर विकेट नहीं मिली, फिर दो मैच के अंदर विकेट मिली, तो आई थिंक ऐसे ट्राई कर सकते हो बिजू नारायणन को। बाकी पवन राज की बात करते हो, पवन राज जो थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी, हालांकि डेथ ओवर्स वगैरह में आ सकते हैं। 7 मैच के अंदर 11 विकेट है 21 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, और हर एक मैच के अंदर ऐसे 3 से 4 ओवर्स की गेंदबाजी करेंगे तो लेके जा सकते हो। यदु के ओके ओके रहेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर एक ज़्यादा प्लेयर भी ऐड किया हुआ है, 12वां प्लेयर भी ऐड किया है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर सब्सटीट्यूट प्लेयर भी खेलते हैं, तो शायद यहाँ पर सब्सटीट्यूट के तौर पर यहाँ पर अजय घोष NS को ला सकती है टीम। विकेट टेकर गेंदबाजी, आपको हर एक मैच के ऐसे 1 से 2 विकेट लेता हुआ जरूर दिखेगा राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी। अगर ये बंदा आपको लाइनअप में दिखता है तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं, बाकी सब्सटीट्यूट में दिखेगा तो हम लोग इनको नहीं लेंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर दी जाती है। SWC की बात करते हैं तो वहाँ पर अप्पू प्रकाश और अब्दुल फरहान टीके दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। ये टीके आपको दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, अप्पू प्रकाश दिखेंगे बैटिंग सेक्शन से, और पिछले टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने 2730 रन से, तो डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। आई थिंक यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से अब्दुल फरहान टीके आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। विष्णु रंजीत की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर यहाँ पर ओपनिंग में आते हैं, मैंने यहाँ पर वन डाउन मेंशन किया है, 5 मैच के अंदर 130 रन 26 के एवरेज से, डिफरेंशियल में ट्राई करूँगी क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर वो पहली बार खेलेंगे। विक्रम सजीत थोड़े से रिस्की रहेंगे, यहाँ पर 3 मैच के अंदर 66 रन है, वैसे चौथे पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं, डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से प्रीतेश पवन आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, एक डिफरेंशियल में एक फंड प्लेयर के तौर पर आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। अजिनास एम की बात करते हैं, ये पिछले टूर्नामेंट खेले थे लेकिन इतना कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। और श्रीजीत संजीव ये भी थोड़े से ओके ओके ही रहेंगे, यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, पिछले टूर्नामेंट इनकी भी इतनी अच्छी नहीं रही थी। यहाँ से आप लोग अखिल सजीव को आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, प्लस बैटिंग से यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे आ सकते हैं। बाकी एन अफराद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके भी जाना है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इस प्लेयर को, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, विकेट टेकर गेंदबाजी, हर एक मैच के अंदर ऐसे आपको 1 से 2 विकेट लेता हुआ दिखेगा एन अफराद, अगर खेलता है तो वेरी इंपॉर्टेंट। हरिकृष्ण डी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, बसिल थम्पी डेफिनेटली लेके जाना है। और बात करते हैं हम लोग यहाँ से किरण सागर मोहन की, वैसे 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी पूरी करेंगे, और पिछले टूर्नामेंट के अंदर अगर हम झांके तो ये पूरे कंसिस्टेंट रहे थे, 5 मैच खेले थे जहाँ पर 4 मैच के अंदर इन्होंने विकेट निकाली थी, और विकेट्स पहली दोनों मैच के अंदर से 2 और 3 विकेट, यानी कि पहली दो मैच के अंदर मिला के टोटल 5 विकेट निकाली, इसके बाद 2 विकेट निकाली, तो आई थिंक एक डिफरेंशियल में एक फंड प्लेयर के रूप में आप लोग किरण सागर को लेके जा सकते हो। तो देखो इस टीम की बात करो तो इस टीम की बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी है, तो दोनों ही टीम के बीच में थोड़ा सा टक्कर देखने को मिलेगा, हालांकि चांसेस मैक्सिमम है ऐसे पटौड़ी के जीतने के, क्योंकि इनके पास बैटिंग लाइनअप के साथ साथ ऐसे बॉलिंग लाइनअप भी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इनके थोड़ी आई थिंक ऐसे बॉलिंग लाइनअप में थोड़ा सा अप एंड डाउन है, और यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो यहाँ पे एक साइड पे बॉलिंग तगड़ी है तो एक साइड पे बैटिंग तगड़ी है, तो मुकाबला थोड़ा सा टक्कर वाला देखने को मिलेगा, मैच देखने का मजा आने वाला है। बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अभी के लिए, देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैंने अब्दुल फरहान टीके को लिया है, इनके अलावा आप लोग ऐसे एल जोस को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये टॉप में बैटिंग कर सकते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, रिसेंटली फॉर्म भी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन टॉप में बैटिंग करवा सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर नील सनी है, ये पोलोस है, इनके अलावा ऐसे आसिक मोहम्मद और वत्सल गोविंद को मैंने लिया है। आसिक मोहम्मद की बात करो तो ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड है, एक रिस्क है, बड़ा रिस्क है, आप बाकी आप लोग ऐसे अजनस एम को ले सकते हो, 93% लोग इनको लेके जा रहे हैं, तो आप लोग अगर जा सकते हो इनके साथ भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर है और सीनियर प्लेयर के साथ खेला हुआ प्लेयर है, भरोसा कर सकते हो उनके ऊपर। ऑलराउंड सेक्शन में हरिकृष्ण डी रहेंगे, बाकी आप लोग सिलेक्शन वाइज जाना चाहो तो ऐसे राहुल शर्मा को ट्राई कर सकते हो, ऐसे राहुल शर्मा ही नाम है इनका, ओके उनको ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर बसील थम्पी, बिरजू नारायणन, यहाँ से के सागर मोहन, एन अफराद, अप्पू प्रकाश को मैंने लिया हुआ है, बाकी अदर चॉइस मैंने सारी आपको बता दी है, तो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना और कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। टीम की बात करें तो कुछ इस तरह से रहेगी कि हरिकृष्ण डी हमारे कप्तान रहेंगे, वाइस कैप्टन ऐसे वत्सल गोविंद को किया हुआ है, इनके अलावा यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से आप लोग बसील थम्पी को ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये बड़ा नाम है और ये ना सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से IPL में भी खेला हुआ प्लेयर है, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है और कंसिस्टेंट रहेगा, तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऐसे अफराद को ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए।
बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी याद रहे, जो टीमें डेमो है फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलने वाली है फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के ऊपर टच करिए, सीधा जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।